आज हम आपको बहुत ही सबका फेवरेट चाट बनाना बता रहे हैं। तो यहाँ हम चाट में आलू के साथ साथ यहाँ पर हम कुछ मटर भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा किलो मटर लिए थे, उनको हमने रात भर भिगो दिया था और ये अच्छे से फूल गए हैं और हमने इनको अच्छे से धुल लिया है। धुल के इसमें उबलने भर का हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें हम स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे और थोड़ी हल्दी डाल देंगे। नमक डाल दिया, अब ये थोड़ी यहाँ पर हम हल्दी डाल देंगे तो जिससे कलर भी अच्छा आ जाता है और स्वाद भी इसका बढ़ जाता है। थोड़ी इसमें हल्दी डाल देंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर इसको हम पका लेते हैं। 5-6 सीटियाँ हम तेज आंच पे करेंगे, फिर वही 5-6 मिनट या 8 मिनट के आसपास हम इसको धीमी आंच में पकने देंगे। तो बढ़िया सा ये मटर जो है वो पक जाते हैं। ये सूखे मटर हैं, सूखे और हरे वाले मटर थे। मटर देखिए अच्छे से उबल गए हैं, इनको हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं। ये देखिए सभी दाने अच्छे से कट रहे हैं। अब इनको एक हम अलग बर्तन में पलट लेते हैं। अब इनको ढककर एक साइड हम रख देते हैं। अब आलू है, इनको हम उबाल लेंगे। आलू बढ़िया से हमने उबाल ली है, उबाल कर हमने अच्छे से छील लिया है। अब हम टिक्की बनाने की तैयारी करते हैं। तो आलूओं को हम अच्छे से मसल मसल के ऐसे ऐसे करके इस तरह से हम कर लेंगे। हम यहाँ पर आरा रोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पसंद हो आरा रोट तो इसमें थोड़ा आरा रोट मिलाकर टिक्कियाँ आप बना लीजिएगा। हम बिना आरा रोट के ही टिक्कियाँ बनाएंगे बढ़िया सा। ये देखिए हमने इस तरह से अपनी टिक्कियाँ जो है वो हम रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा और बचा हुआ है तो इसको भी हम कर लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या करिएगा, आलू आपकी हल्की हल्की गर्म हो तब इस तरह की टिक्कियाँ आप बना लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब थोड़ा गर्म आलू होती है तो टिक्कियाँ बढ़िया सा बन जाती है। अभी कुछ टिक्कियाँ बन गई हैं तो इनको हम साथ में पकाते भी जाते हैं और जो बची हैं उनको भी बना लेते हैं। सभी टिक्कियाँ हम ऐसे रख देते हैं। तवा जब गर्म हो गया है तो हमने इसमें सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छी सी तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल डाल दिया, तेल हमारा थोड़ा तवा के साथ गर्म हो गया है। तो अब इनको हम इसमें डालकर ऐसे कर लेते हैं। गैस अभी धीमी रखिएगा, धीमे करके इसको पकाएंगे तो बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी टिक्कियां बनकर तैयार होती है। तो अब इनको हम धीमे आंच में पकने देते हैं। यहाँ पर हम कुछ सामान लिए हैं। तो ये हमने प्याज लिया है, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। नींबू लिया है, हरा धनिया है, इसको भी कट कर लिया है। ये हमारी मूली है, इनको भी हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया, इनको हमने मूली को कद्दूकस कर लिया है। टमाटर भी महीन महीन हमने काट लिया है। और ये है हमारी चटनी, ये हमने इमली की बढ़िया सी खट्टी मीठी हमने चटनी रेडी की है। और ये है हमारा दही, तो इसको हमने चम्मच से फेंट लिया तो बढ़िया से हमारा चिकना चिकना सा दही हो गया है। दही हम प्लेन यूज करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है हल्का सा दही मीठा हो तो इसमें 1 चम्मच पिसी चीनी डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से मिला लीजिएगा तो बढ़िया सा आपका हल्का मीठा दही तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा दही भी रेडी हो गया है। और हमारा टोमेटो सॉस है और चाट मसाला है और भी कुछ चीजें हैं जो बची हैं वो हम आपको बाद में बताते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया सी क्रिस्पी टिक्कियां बन गई हैं। तो अब हम एक प्लेट में फटाफट इनको निकाल लेते हैं। तेल डाल देते हैं
जिससे दूसरी टिकिया भी हमारी रेडी होने लगे। अब इनको भी हम आराम से पकने देते हैं। कटोरियां लगा दी है चाट की, अब फटाफट इनमें हम चाट लगा लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम इसमें जो मटर नहीं हमने भूने उबाले थे ये मटर हैं, इनको हम पहले थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जितना चाहिए उतना डाल दीजिए। एक एक अब हम इसमें हम टिक्कियां डाल देंगे। एक एक हमारी टिक्कियां हो गई हैं। ये थोड़ा दही है तो पहले ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हम इसमें दही डाल देंगे। इमली की चटनी जो बनाई थी अब ये इमली की चटनी है ये इसमें हम डाल देंगे। मूली डाल देंगे। टमाटर थोड़ा डाल देंगे। फर्स्ट क्लास की बढ़िया से बाजार से भी ज्यादा टेस्टी हम आपको चाट बनाना बता रहे हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम प्याज डाल देंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारी जो कटोरी है वो भर गई है। और अब इसमें हम हल्का सा नींबू, अगर थोड़ा खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें हल्का हल्का इसमें आप नींबू इस तरह से आप डाल दीजिएगा। और ये थोड़ी सी धनिया पत्ती है, धनिया पत्ती आप डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम दही फिर से डालेंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा दही फिर से डाल देंगे। इमली की चटनी भी हम डाल देंगे थोड़ी थोड़ी फिर से। जितना आप कम ज्यादा चाहिए आपको उस हिसाब से आप डाल दीजिएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम टोमेटो केचप जो है वो डाल देंगे तो इसका बढ़िया सा खट्टा मीठा जो फ्लेवर है वो आ जाता है। तो इस तरह से टोमेटो केचप डाल दिया। ये मिर्च है थोड़ा सा, यहाँ पर हम मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए आप हरा मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया चाट मसाला। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें ऐसे करके चाट मसाला, चाट बना रहे हैं तो चाट मसाला नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। तो ये देखिए बढ़िया सा चाट मसाला इसमें आ गया फर्स्ट क्लास का। और इसमें हम स्वाद के हिसाब से थोड़ा नमक डाल देंगे। इस तरह से नमक डाल दिया। अब इसमें हल्का सा हम दही और डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया सी आपकी जो चाट है वो रेडी हो गई है। झटपट से चाट बनके तैयार हो गई है।